आज से इनफेक्ट अभी से आप लोग मार्केट का कंडीशनर और जो भी आप बालों में कलर करते हैं, डाई यूज करते हैं, वो लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को नेचुरल रेमेडी बताने वाली हूँ जो बालों को नेचुरली कलर करेगी और उसके साथ साथ आपके बालों की कंडीशनिंग भी करेगी। जी हाँ, इसके रिजल्ट 100% है, बस आप ट्रस्ट कीजिए और ट्राई कीजिए। तो जल्दी से आइए हम रेमेडी को चेकआउट करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल, आओ खूबसूरती निखारते हैं। आज की रेमेडी की तारीफ मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप इस रेमेडी को काम में लेने के बाद मजबूर हो जाएंगे कमेंट करने के लिए कि वाह क्या रेमेडी थी ये। जी हाँ, इस रेमेडी के इतने फायदे हैं, आपके बालों को ये नेचुरली कलर करेगी और जो बालों में कंडीशनिंग होगी उसका तो कहना ही क्या है। और इन सबके साथ साथ आप अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके बालों का टेक्सचर है वो इतना फाइनेस्ट हो जाएगा, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। तो रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा बीट रूट लिया है, उसका मुझे जूस चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ उसे पील करके और छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, ग्राइंड करके उसका जूस निकाला है। आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो करिए, बस हमें इसका जूस चाहिए। बीट रूट के अंदर विटामिन और विटामिन सी की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है और ये बालों के लिए इतना बेनिफिशियल होता है, बालों को शाइनी बनाता है, स्मूथ बनाता है। और जो ये बीट रूट का कलर, इतना प्यारा कलर है, ये जब बालों में जाता है तो बालों को नेचुरली कलर प्रोवाइड करता है, ये बहुत अफेक्टिव है बालों के लिए। अब मैंने यहाँ पे जो ये बीट रूट का जूस निकाला है उसको मैंने एक लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है। जी हाँ, हमें लोहे की कढ़ाई काम में लेनी है। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच एलोवेरा जेल काम में लिया है। अभी यहाँ मैंने मार्केट का एलोवेरा जेल काम में लिया है। आपके घर में अगर नेचुरल प्लांट है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीजों की तो बात ही कुछ और होती है। यहाँ पे एलोवेरा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि एलोवेरा के अंदर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और बालों के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसे लंबे टाइम के लिए लॉक इन करके रखती है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेमेडी देखते देखते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। और अगर आप लोगों को रेमेडी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पे मैंने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो है बालों का राजा। जी हाँ, बालों में कैस्टर ऑयल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके इतने फायदे ही फायदे हैं कि अगर मैं आप लोगों को अभी बताने बैठी तो वीडियो का एंड ही नहीं होगा। तो आप पहले 1 चम्मच कैस्टर ऑयल इसके अंदर डाल दीजिए। कैस्टर ऑयल स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जो कि हमारे बालों की रूट्स को मजबूत बनाती है और बालों के बढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये बालों में रेगुलर अप्लाई करने से हमारे बाल काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे हीना काम में लिए। जी हाँ, ग्रीन मेहंदी, जो ना मैंने कोई डाई काम में लिए, ना कोई कलर कुछ डाला है, हमने सिंपल जो हमारी मेहंदी आती है हरी मेहंदी वो काम में लिए। तो मैंने यहाँ अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 4 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। आप लोग मेहंदी की क्वांटिटी अपने बालों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हीना का इस्तेमाल बालों को कलर करने के लिए किया जाता है। बस यहाँ पे हीना का इस्तेमाल कलर ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे बालों की कंडीशनिंग भी होती है और हीना का इस्तेमाल बालों की ग्रोथ करने में भी काम में लिया जाता है। जी हाँ, ये हमारी ग्रीन हर्ब्स होती हैं, ये हमारी बालों की ग्रोथ भी करती है, बालों की कंडीशनिंग भी करती है और बालों को कलर भी करती है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई लम्स ना रहे तो आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर हम लोगों ने मेहंदी की क्वांटिटी और बढ़ाई है तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगे, तो आप थोड़ा बीट रूट का जूस और ऐड कर लीजिए। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, आप इसमें बीट रूट का जूस ही ऐड कीजिए। आप मेहंदी बढ़ाएंगे, मतलब जो मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बताई है वो 4 चम्मच मेहंदी मैंने काम में ली, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 बीट रूट जूस लिया था।
अगर आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी रखते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आप जूस निकाल लीजिएगा। इसे हमें अभी यूज नहीं करना है, इसे आप ढक के रख दीजिए 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे, जिससे आपको बड़ा प्यारा कलर मिलेगा बालों में। जो मास्क मैंने ढक के रखा था 2 घंटे के लिए, अब वो एकदम रेडी हो गया है बालों में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, अप्लाई करने से पहले बाल एकदम सुलझे हुए होने चाहिए। कभी भी कोई भी रेमेडी आप उलझे हुए बालों में मत कीजिएगा, क्योंकि वॉश करने के बाद जो हमारे बाल टूटते हैं उससे हमें बड़ा दुख होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आप बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, बालों को सुलझा लीजिए। उसके बाद आप सेक्शन में डिवाइड करते हुए अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। हमें बालों की रूट्स में अप्लाई करना है, पूरे बालों की लेंथ में अप्लाई करना है। अप्लाई हो जाने के बाद एक जूड़ा बना लीजिए और 1.5 से 2 घंटे के लिए बालों में रहने दीजिए। अगर आप लोगों के पास उस टाइम समय है, क्योंकि बालों में आप 1.5 से 2 घंटा है, हमारे पास अगर टाइम है, कोई काम नहीं है, तो आप हेयर केयर के साथ साथ स्किन केयर भी कर सकते हैं। मैंने स्किन केयर की प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दिया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद हमें बालों को वॉश कर लेना है। वॉश हमें प्लेन वाटर से वॉश करना है, शैम्पू का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने सारी की सारी ये नेचुरल चीज़ें काम में ली है, तो इनके प्यारे प्यारे बेनिफिट्स हमारे बालों में रहे, तो हमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जिस दिन आपने ये रेमेडी अप्लाई की है, उसी नाइट में आप अपने बालों में बढ़िया से ऑयलिंग कीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठ के शैम्पू कर लीजिए। इस रेमेडी को एवरी 15 डेज में रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने एक बार अप्लाई कर ली और ये हो गया कि अब तो ठीक है, अब तो हमारे बालों में कलर आ जाएगा। नहीं, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, रेगुलरली इसे अप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 4 एप्लीकेशन में देखेगा आपको अपने बालों में खूबसूरत सा कलर नजर आने लगेगा। बालों की कंडीशनिंग तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको दिखने लगेगी कि बाल कितने सॉफ्ट हो गए हैं, बाल कितने शाइनी हो गए हैं। तो आप इस रेमेडी पे ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए और इसको रेगुलरली अप्लाई कीजिए। ये बालों में नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा, बालों की कंडीशनिंग करेगा और इनके साथ साथ आप देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। आपके बाल एकदम हेल्दी दिखने लगेंगे, क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीज़ें काम में ली है और सबके बालों को लेके बेनिफिट्स तो इतने अच्छे हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। Keep applying, keep shining, have a nice day, bye bye.